तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल। तो दोस्तों बात करते हैं इस कंपनी के बारे में जिसका नेट प्रॉफिट आप हुआ 200% के आसपास। अगर स्टॉक आपके पास है, आई थिंक होगा आपके पास, क्योंकि बहुत बार इसके बारे में मैंने डिस्कशन करी, चर्चा करी इस चैनल के माध्यम से। 31 से गिरकर 5 रुपये स्टॉक सपोर्ट ले रहा है, कहने का मतलब लो लगाया है। ठीक है, 7 रुपये तक ही परसों आया था, आपको अपडेट दिया था, 7 से स्टॉक 12 रुपये तक गया था, 40-50% रिटर्न आया हमें। अब मर्जी आपकी, आपको बुक करना नहीं करो। मेरी खुद की स्टॉक को एवरेज, मतलब मेरी तो नहीं है, मेरे भाई की है, 9 रुपये के आसपास की उसकी बाइंग कॉस्ट है, 10-50 अभी ट्रेड कर रहा है और कंपनी के प्रॉफिट बहुत अच्छे आए, जैसे उम्मीद थी उससे अच्छे आए। नेक्स्ट आगे स्टॉक के क्या रहेंगे, पूछो, स्टॉक की बुक वैल्यू है वो रहेंगे। साथ में मैंने एक तरीका समझाया आपको कि कैसे हम जज करते हैं कि स्टॉक ऊपर जाएगा। अगर समझ आएगा आपको, बढ़िया है। एक नॉर्मल फंडा अपना जो स्टॉक की बुक वैल्यू है, वो भी एक तरीका होता है जज करने का, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से करना चाहते हो तो वो प्रॉफिट को देख के भी कर सकते हो। तो मैंने बताया, देख लेना अगर आपको समझ आता है। ठीक है, क्योंकि मैंने अच्छे तरीके समझाया, शायद आपको समझ ना आए नीचे कमेंट कर देना, मैं अगले वीडियो में ऐड कर दूंगा। ठीक है, दोबारा से यहाँ पे आप स्लो करके वीडियो देख लेना, तब आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो वीडियो अंत तक देखना, लाइक करना, शेयर करना, कॉमेंट पक्का करना, और कहाँ बाई करना वही बताया है, बाई करने का प्राइस भी, तो उसको ध्यान से फॉलो कर लेना। ठीक है, ऐसे नहीं क्या अभी के प्राइस में बाई करो, अभी के प्राइस में बाई बिल्कुल नहीं करना है, थोड़ा रिट्रेसमेंट करेगा तब बाई करना, नहीं होता बाय अगर भाग जाता है यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं, रोना मत, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स अपॉर्चुनिटी आती रहती है, जाती रहती है, बस आपको रिसर्च और एनालिसिस में बिलीव करना पड़ेगा और थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो, इस स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ, उसका नाम साउथ इंडियन बैंक है। इसके Q2 प्रॉफिट 223 CR क्या है, 223 करोड़ क्या है, और अगर इसके लास्ट क्वार्टर से आप कंपेरिजन करते हो तो बहुत ऑसम नंबर कंपनी ने दर्ज किए इस बार भी। और स्टॉक की बुक वैल्यू आप लोग देख सकते हो 28 के आसपास की, तो उम्मीद लगा सकते हो कि यहाँ तक के टारगेट स्टॉक आपको दिखा सकता है। ठीक है, आप कंपेरिजन अगर आपको करनी है प्रॉफिट की, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो सेप्टेम्बर 2022 में कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है, मैं आपको वो दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 223 CR का हुआ है, और लास्ट ईयर ये 187 CR का लॉस था, तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट ऑलमोस्ट 200% का अपसाइड हमें देखने को मिलता है। साथ में लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन भी कंपनी अच्छा कर रही है। ठीक है, तो इससे हमें अनुमान लगता है कि फ्यूचर में कंपनी अच्छा कर सकती है। देखो इस बार कंपनी के सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट आया है, और ये हाईएस्ट प्रॉफिट ऑलमोस्ट 508 CR का कब आया था, जब कंपनी का प्राइस, मैं आपको प्राइस भी दिखाऊंगा, 2014 की बात है, उस समय प्राइस इसका क्या ट्रेड कर रहा था और अभी क्या प्राइस ट्रेड कर रहा है, ये अपने आप में क्वेश्चन पूछने वाला सवाल है। ठीक है, अब देखो एक सेकंड, 2014 में प्राइस का ट्रेड कर, अभी 10 रुपये ट्रेड कर, इसका मतलब ये अंडर वैल्यूड है, बहुत जल्दी ऊपर जाएगा प्राइस। ठीक है, 2014 में देखो कहाँ ट्रेड कर रहा था, 31 रुपये, वो भाई 14 में देखो कहाँ ट्रेड कर रहा था, 26 रुपये। तो अब प्रॉफिट इसके इंक्रीज हो चुके हैं, जो प्रॉफिट 2014 में आ रहे थे वही प्रॉफिट आ रहे हैं, बल्कि उससे ज्यादा प्रॉफिट आ रहे हैं, लेकिन प्राइस कहाँ ट्रेड कर रहा है, बिलो दैट प्राइस, का मतलब इसको 28 रुपी 100% जाना है। अभी कैसे जाएगा वो आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा। ठीक है, एक दो दिन में ही भाग जाएगा, लेकिन भाग गया पक्का। ठीक है, एक दो दिन का मतलब कि एक या दो दिन में आपके 40-60% का गेन आपको दिखा देगा, ऐसा ये स्टॉक है। ठीक है, सीधा अपर सर्किट स्टॉक पर लगेंगे, इसलिए मैं नजरों में रखो, अगर स्टॉक आपको टेल अराउंड मिलता है 10-20 या 9 रुपये तक मिलता है, तो यू कैन बाय 7 रुपये 6 रुपये के आसपास का स्टॉप लगा सकती हूँ। ठीक है, ये बात मैंने आपको पहले ही बोली थी और अभी भी कह रहा हूँ, समझ आया कि कॉन्सेप्ट मैंने आपको चीज समझाई, जो प्राइस 2014 में था उस समय वही प्रॉफिट आ रहे थे, प्राइस कहाँ ट्रेड कर रहा था, आज वही प्राइस है। ठीक है, वो प्राइस नहीं है, माफ चाहूंगा, वो प्राइस नहीं है, प्रॉफिट उससे ज्यादा आ रहे, लेकिन वहां ट्रेड नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, अंडर वैल्यूड है, और उसकी बुक वैल्यू हमें यही कहते हैं कि हाँ स्टॉक वहां तक जा सकता है, जो मैंने आपको बताई है। इसकी बुक वैल्यू कितनी है, 28 के आसपास, 28% का जाना तय है। ठीक है, तो वीडियो को समाप्त करता हूँ, बाकी मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो में।